नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। नागरिक तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दुर्गा पूजा से पहले कोल्टी के लोगों के लिए एक गिफ्ट दिया। इसके लिए कोल्टी वासी तमाम हमारी वजीर आलम ममता बनर्जी को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। दीदी, आप बंगाल की नेत्री है, बंगाल के लोगों के बारे में सोचती है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हम अपने बॉबी फरादा की, म्यूनसिपल अफेयर मंत्री बॉबी फरादा की को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हीं की कोशिशों से आज हम लोगों को यहाँ कोल्टी में, यहाँ धेमा में से लेकर चौरंगी से लेकर नियामत न्यू रोड तक लाइट का 1,90,00,000 और डीशरगढ़ में है 50,00,000 रुपये। पूरे टोटल 2,42,00,000 रुपये का हमारा ये प्रोजेक्ट आज कामयाब हुआ। इसके लिए हम तहे दिल से ममता बनर्जी को शुक्रिया अदा करते हैं। ममता बनर्जी लोगों के साथ जुड़ी रहती है, लोगों के साथ मिली रहती है। ममता बनर्जी का एक ही कहना है कि लोगों के साथ जुड़ो, लोगों का काम करो। आज हमने भी एडीडीए की तरफ से आज ये काम कराया, तो एडीडीए को भी मेरी तरफ से बहुत तहे दिल से ऑनर धन्यवाद। मैडम, ये उद्घाटन समारोह एडीडीए के वाइस चेयरमैन और कोल्टी के विधायक उज्जय चटर्जी के हाथों द्वारा होने वाला था, हम लोग ऐसा सूचना मिला था, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे हम? देखिए, कोल्टी के प्रपोजल लाइट के लिए डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा जब से अहदे में आई है, कोल्टी की कमी को पूरा बहुत करीब से महसूस किया है कि कोल्टी में क्या क्या चीज़ की कमी है। सबसे पहले मेरा यहाँ पर रोशनी की कमी थी। इस रोशनी की कमी को पूरा करने के लिए हम अपने म्यूनसिपल अफेयर मंत्री बॉबी फराद हकीम के पास गए, उनसे अपना प्रपोजल रखा, मेयर साहब से भी फॉरवर्ड कराए थे, एडीडीए चेयरमैन को मैंने दिया और ये हमारा प्रपोजल पास हो गया। पास होने के बाद कुछ दिन हमारे फंड की वजह से भी रुका हुआ था, लेकिन फिर हम कलकत्ता गए, अपने म्यूनसिपल अफेयर्स मंत्री से मुलाकात किया, उन्होंने संग सेंशन किया और मेरा इलेक्ट्रिक का काम हो गया और आज आप लोगों के सामने है। इसीलिए ममता बनर्जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रहे हमारे विधायक साहब, 15 साल से विधायक है, कोल्टी के बारे में सोचा नहीं। कोल्टी के क्या चाहिए? लैब चाहिए, आईटीआई कॉलेज चाहिए, रविंद्र भवन चाहिए, उन्होंने दिया क्या? ममता बनर्जी बोलती है काम करो, हम काम देंगे। हम भी तो डेप्टी मेयर है, 5 साल से आए, हमने बहुत काम किया, क्योंकि मेरी वजीर आला ममता बनर्जी बोलती है काम करो, मैंने काम किया, उन्होंने काम दिया। विधायक सोचेंगे हम बैठ के रहे, सिर्फ लड्डू खाए तो ये चलने वाला नहीं है। हम उत्तर चटर्जी को बोल देते हैं कि आपको हम तहे दिल से मानते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आज भी रिस्पेक्ट करेंगे, आने वाले दिनों में भी रिस्पेक्ट करेंगे। हम ममता बनर्जी के सैनिक है, आने वाले दिनों में ममता बनर्जी से जुड़े हुए क्वालिटी में क्या क्या चीज़ चाहिए हर काम को मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगी और मेरा यही उन्नयन है, यही लक्ष्य है। কিন্তু তাকে দেখা গেল তার আধ ঘন্টা আগে ডেপুটি মেয়র এটার উদ্বোধন করে চলে গেল, যেটা কিন্তু কর্মসূচিতে ছিল না। আমি সম্পর্ক বলবো না, যেদিন কাজ শুরু করেছিলাম মার্চ মাসে, সেদিন কিন্তু সর্বক্ষণে আমি কাজ শুরু করেছিলাম, সমস্ত কাজ ছিল যারা রয়েছে প্রত্যেকের কাজ শুরু করেছিলাম। আজকে আবার এটা ওনার দাবি হচ্ছে উনি যে পরে মোনাল নিরাদাকে কাছ থেকে টাকাটা নিয়েছে আদা করুন, এবং এটাতে দেখা যাচ্ছে আপনাদের কুলটিদের তৃণমূলের মধ্যে একটা আড়াআড়ি বড় ভাগ হয়ে গেল। আমি জানি না ভাগের উর্ধ্বে আমি নেই, কিন্তু আমি দর্শক করি মমতা ব্যানার্জিকে দেখে, মমতা দিকে দেখে আগামী শ্রদ্ধা করি, চিরদিন শ্রদ্ধা করবো, এর বাইরে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আচ্ছা, সরকারি কাজে এইরকম বাধা দেওয়াটাতে কী করবেন? আমি বাধা বলে মনে করি না, বাধা হতো যদি এখন কিছু হতো সেটা হতো কথা, আমি জানি না কিছু, আমি জানি না সেটা কেন বলতে যাবো, এই তো এলাম সকল কিনে উদ্বোধন করলাম, সব তো অন্ধকার ছিল, উদ্বোধন হয়ে গেল।
যে হাইম্যাক্স হাইম্যাক্স লাইট যে যেগুলো লাগানো হয়েছিল রাস্তায় স্ট্রিট লাইট, সেগুলো কি ওপেনিং হয়ে গেল? হ্যাঁ, আজকে ওপেনিং করলেন আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যিনি ডেপুটি মেয়র আছে তাবাসসুম আরাজি, উনি আপনার ওপেনিং করলেন এবং উনি বললেন এটা ফিরাদ আকিম, মানে যিনি আমাদের মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার, ওনার কাছ থেকে তিনি স্যাংশন করিয়ে এনেছেন এবং এর মানে ওপেনিংয়ে ওরই দাবিদার, ও ওপেন করে দিয়ে চলে গেল। আপনারা সমর্থন করলেন? হ্যাঁ, আমরা সমর্থন করলাম। क्या प्रोग्राम आप लोगों ने किया? माँ कारणेश्वरी के क्लब के तरफ से एक फुटबॉल का आयोजन किया गया जिसमें हम लोग को भी बुलाया गया। अच्छा, जो आज जो फुटबॉल टूर्नामेंट आपने किया, कहीं ना कहीं लगता है कि स्पोर्ट्स से आज के जनरेशन की वाल लड़का जो है दूर होते जा रहे हैं। हाँ, बच्चों तो दूर होते जा रहे हैं, इसलिए माँ कारणेश्वरी का जो आयोजित किया गया उसी कारण बच्चे इससे जुड़ा रहेंगे और उसका स्वस्थ तंदुरुस्त और आगे चल के खेल धूल में उनका ध्यान लगा रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम राजा खान, टीम वाईसी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज के बावरी समाज से हमारे तृतीय बार स्वागत हो जाने पर अनेक दिन के अभिनंदन देवे टाइम ठीक कर बार बार हमारे निजस्व क्या दिन हमारे प्रोग्राम कैंसल कर आज के टाइम दिए आज के जब से मत तरह से तरह अनेक जनरेशन देखे सरल मन इसे मैं संवर्धना दीते चाय তার জন্য তাদেরকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছি। করোনা কালে দেখা যায় না সাংসদ, আর এখন দেখা যাচ্ছে। দেখুন, বিজেপি ওরা শুধু নয়, সাংসদকে শুধু নয়, বিজেপি কোনো লিডারশিপকেই তুমি দেখতে পাবে না। ওদিকে ভোটের সময় দেখাতে পাবে, দেখবে টিএমসির উচ্ছিষ্ট এবং সিপিএম থেকে যারা বেরিয়ে গেছে একটা কম্বাইন, তারাই কিন্তু বিজেপি করছে, ভালো লোক কিন্তু বিজেপিতে নেই। এখন বলা যায় আপনি ই বলেছে পুজো সময় দলিতদের জন্য শাড়ি দেব, এটাই কি? আমরা প্রায় 6-7 হাজার শাড়ি আছে পুজোর সময়, আমরা চেষ্টা করছি এমএলএ সহযোগিতায় প্রত্যেকটা এসসি দিকে আমরা শাড়ি পৌঁছে দেবো এবং বলেছি যদি পুজোতে কারো কোনো অসুবিধা থাকে সবসময় এমএলএ আমরা আপনাদের পাশে আছি।